मैं आप हजरात रात में और पीर नसीरुद्दीन साहिब के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता, दावत देता हूँ तशरीफ लाएं और कलिमात तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम हजरात का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उस रब्बुल आलमीन ने मुझ जैसे कमजोर इंसान से इतना बड़ा काम लिया। मैं पूरी जिंदगी अगर सजदे में मैं पड़ा रहूं हूं, मेरा जिस्म जो है मट्टी हो जाए, फिर भी मैं अपने उस खालिक का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए कि मुझे कई दोस्त कहते थे कि भाई खड्डे में कहां जा रहे हो, खड्डे में कहां जा रहे हो। खड्डा भी था तो फटा भी था, आपको पता है। खड्डा भी था फटा भी था। कईयों ने कहा हर दम नहीं मिलेगी, मैंने कहा जिस्म मिलेगा। ये जिस्म ये सारे मेरे जिस्म है। मैंने कहा जिस्म मिलेंगे, आज हजारों जिस्म मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अहले मोहल्ला आपको फायदा हुआ इस मसल से? नहीं नहीं, हाथ उठा कर बताओ, फायदा हुआ या नहीं? मदरसे से फायदा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, दर्स हुए मस्जिद में, बयानात हुए मस्जिद में, कौन सा बुजुर्ग है जो हमारी इस मस्जिद में नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह को ये अल्लाह का फजल है। ये सारा दरख्त किसने लगाया? मेरे मौसा, मेरे मुरब्बी। आपको मैं ये भी बता दूं, मैं नस्लन बरेली था, खानदानी हम हजार बरस से याद है, हमारा बहुत बड़ा मजार है, ठीक है। ये पूरा पौधा जो लगाया ये मेरे मौसम, मेरे मुरब्बी हजरत अकदस हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी दामत बरकातु आलिया, सबको हो आमीन। अल्लाह हो सेहत कामिला आजला मुस्तमर अता फरमा। और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शफीक रहमान साहब दामत बरकातु आलिया तशरीफ फरमा है, हजरत से मैंने नौमीर पढ़ी थी। और इन हजरात ने मेरे सर के ऊपर शफ़त वाला हाथ रखा, मैं बढ़ता गया। और जब इस इदारे में मैं आया तो मेरा इस इदारे के साथ सबसे ज्यादा जो तावन मेरे साथ किया है मेरा मोहसन, अल्लाह उसको भी सेहत है, वो भी बीमार है, हजरत अकदस हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हक साहब दामत बरकातहु आलिया, दुआ करो अल्लाह उनको सेहत अता करे। अभी तशरीफ लाए थे, वापस चले गए। खुदा की कसम मेरे हमेशा हौसले बुलंद की ओर से, अज़ाइम बुलंद की ओर से मैं जब हिम्मत हारता था, मुझे कहते कौन सा उस्ताद चाहिए आपको, ले जाओ जो उस्ताद चाहिए मेरे पास से, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, आगे बढ़ो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे से शुरू किया। जब हम मैंने यहाँ बुनियाद रखी, मैं और मौज़िन अज़ान देते थे, नमाज पढ़ते थे, मच्छर इतने बड़े 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 इतने बड़े बड़े जहाँ, लेकिन उस खालिक ने मेरी ऐसी मदद की, तामीरात भी साथ चलती रही और अल्लाह ताला के फजल से तालीम भी साथ चलती रही। कई दोस्तों ने कहा कि भाई पहले तुम जो है तामीरात करो, फिर जो है तालीम का आगाज करो, लेकिन मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, मैं किसी के दरवाजे पे चंदे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सेठ सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन किसी के दरवाजे पे नहीं गया। अल्लाह का फजल है, बैठे अक्सर यहां, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के दरवाजे पे नहीं गया। उस खालिक ने अपनी कुदरत से सब कुछ किया है, सब कुछ अपनी कुदरत से किया है, लेकिन आप हजरात मोहल्ले वालों की मोहब्बत को मैं कभी भूल नहीं सकता। मौलाना शफीक रहमान साहब दामत बरकातहु आलिया, मुझे इन हजरात ने भी इंतहा मोहब्बत दी। मौलाना अहमद अनवर साहब आरिफ अली रहमान साहब, इन हजरात ने मुझे भी इंतहा मोहब्बत दी। मेरे लिए इन्होंने तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया है। मेरे ये मौसम, मैं इनको अक्सर कहा करता हूँ, मेरा खानदान तो आप लोग,
मेरा खानदान तो आप लोग हो, मेरे बरादरी आप लोग हो, मेरे मुश्किल वक्त में काम आने वाले आप लोग हो। आज सुबह कुछ वालदैन मेरे पास आए, उनकी बच्चियां गले में बंधी, मेरे गले लगे, रोए। कई वालदैन आए, रोए, चीखे उनकी निकल गई, कहा हमारे गुमान में भी था कि हमारी बच्चियां गले में बंध जाएंगी। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र करो, इस रब का फजल है जिस खालिक ने हमसे काम लिया, इसलिए इस इदारे के लिए खूब दुआएं करो। अल्लाह इसको कयामत तक के लिए कायम रखे, अल्लाह इस दीन का मरकज बनाए, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इसके शरीर लोगों के शर से इसकी हिफाजत फरमाए, और इसको पूरी उम्मत के लिए सदका जारिया बनाए, तमाम इदारों को पूरी उम्मत के लिए सदका जारिया बनाए। तो इसलिए आप हजरात इंशाअल्लाह मेरे साथ हमन रहेगा, और पहले भी था रहेगा, करोगे ना इंशाअल्लाह या नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, इंशाल्लाह करोगे तो इंशाल्लाह आपके ये नन्हे मुन्ने चीजें हर साल आपको मिलते रहेंगे, हाफिज बन बन ये बच्चियां आपको इंशाल्लाह हर साल आलिम बनकर मिलती रहेंगी। मेरे गुमान में नहीं था अल्लाह का फजल, इतनी बड़ी तादाद में बच्चियां हमारे पास आ गई, इतनी बड़ी तादाद में तलबा आ गए, लेकिन मेरी कोशिश भी हमेशा यही रही, अच्छे से अच्छा उस्ताद मैंने तलाश किया। ये अली साहब बैठे, मैंने जाकर जहानिया से पकड़ कर लाया, मौलाना अहमद अनवर साहब मेरे भाई हैं बड़े, इन्होंने मुझे कहा कि हम चार भाई हैं, पांच में आप हैं, और उम्र में आप बड़े हैं, इल्म में बड़ा हूं, लिहाजा आप अब हम एक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बतें बड़ी ही सख्त हैं। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को हमेशा के लिए कायम दायम फरमाए, और हमने जिससे भी मोहब्बत की है अल्लाह की रजा के लिए की है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से टक्के की भी एक राई के दाने के बराबर किसी से लालच नहीं रखी। अल्लाह का फजल है, किसी के साथ चले, किसी के साथ बैठे, सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह राजी हो जाए उसका करम है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि अल्लाह तेरा मुझ पे इतना फजल है, तेरा मुझ पे इतना फजल है कि तू मुझसे काम ले रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये इन सब बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये पता नहीं कब मेरे लिए दुआएं करते होंगे, किस वक्त हाथ उठाते होंगे, इनकी आएं मेरे लिए निकलती होंगी, अल्लाह कबूल कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। ये सारी कुर्बानी मेरे उस्तादों की भी है, मेरी मुअल्लिमात की भी है, उन्होंने भी खूब मेहनत की है, अपनी तरफ से जितनी उनकी ताकत थी खूब मेहनत की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनको नक़द इनाम अता फरमाए, सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। इसलिए याद रखना, ये उलमा हैं, ये मदारस हैं, आपका ईमान है, हम मौलाना अहमद अनवर साहब से पूछ ले, उज़्बेकिस्तान में होंगे इतने बड़े बड़े मदरसे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, अंदर दुकानें हैं, अंदर दुकानें हैं, अगर इन उलमा की आपने कदर न की, इन शैतानों की बातों में आप आ गए, याद रखना जुमला क्या है, अल उलमा वरसुल अंबिया। वारिस किसको कहते हैं, आपका कौन वारिस, आपका बेटा, आपका बेटा, गोया के उलमा उलमा अंबिया के वारिस हैं, विरासत में हैं, उनकी बरादरी के लोग हैं, बरादरी वालों को जो बुरा कहेगा, उनसे दुश्मनी करेगा, मुझे बताओ वो कहां पहुंचेगा, उनका हशर कहां होगा, जहन्नम में होगा। इसलिए कभी भी मुफ्ती अहमद रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल में भी कभी उलमा के बारे में रत्ती भर भर बुराई नहीं लाना, वरना तुम्हारा खात्मा कुफर पर पक्का, ठीक है या नहीं। तो इसलिए इन तमाम हजरात का आपने शुक्रिया अदा करना, इन बुजुर्गों को आप शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं, आप मोहल्ले वाले शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं कि ये आपके पास चलकर आए, ये आपके मोहसिन हैं, आपको दीन सिखाने आए, मुझे और आपको दीन सिखाने आए, हमें सीधा रास्ता बताने आए हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।